नमस्कार, वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले के विकास खंड धरमजयगढ़ बाकारुमा से लैलूंगा पहुंच मार्ग जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क पर इन दिनों संबंधित ठेकेदार सुनील रामदास के द्वारा गुणवत्ता विहीन निर्माण किया जा रहा है, जिससे रास्ते पर चलने वाले क्षेत्र के आम जनता तथा बहुत परेशान है। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क पर एक बूंद भी पानी नहीं डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, जितने भी सीमेंटेड कार्य हो रहे हैं उसमें किसी में भी वाटर क्योरिंग नहीं की जा रही है, जिसके कारण सड़क पर भयंकर धूल डस्ट से लोगों को सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। एक तरफ ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण और दूसरी ओर उपरोक्त सड़क निर्माण में जिनके सड़क चौड़ीकरण में भूमि प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिए जाने से हितग्राही काफी आक्रोशित हैं, जबकि क्षेत्र से प्रभावित किसान बंधुओं ने उपरोक्त समस्या को लेकर रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यदि किसानों की समस्या जस का तस रही तो सभी किसान उग्र आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। धरमजयगढ़ से कुमारी उमा यादव की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।